जादुई गुलाब का घर कहानी। अफ्रीका के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बंटी चिड़िया जेल में बंद था बिना किसी जुर्म के। टुनटुनी बहुत दुखी थी, उसका घर बहुत कमजोर हो चुका था। अचानक एक दिन जंगल में घोषणा होती है, सुनो सुनो सुनो, 2 दिनों बाद जंगल में बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है। इसलिए महाराज ने सभी पक्षियों को यह आदेश दिया है कि वो इस जंगल को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाए। सुनो सुनो सुनो। ये घोषणा सुनते ही सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। अपने बच्चों के साथ पास वाली जंगल जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। आओ हम लोग इस पेड़ पर बैठते हैं, बारिश रुकते ही हम आगे बढ़ेंगे। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ पेड़ पर छप्पर डालकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गोलू भूख से रोने लगता है। भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर गोलू सुनहरी से कहता है, दीदी मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है, चलो ना बारिश में भीगते हैं। ना पापा ना, मम्मा को पता चलेगा तो हम दोनों को बहुत पीटेंगी। चलो ना दीदी, माँ को कैसे पता चलेगा, माँ तो भोजन लेने गई है। तुम्हें भी तो बारिश में भीगना अच्छा लगता है ना, चलो ना दीदी। सुनहरी और गोलू दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। तभी शिकारी चील गोलू को पंजे में दबाकर उड़ जाता है। सुनहरी जोर जोर से रो रही थी, तभी टुनटुनी भोजन लेकर आती है। बेटी सुनहरी के साथ आगे का सफर पूरा करती है। उसे दूसरे जंगल में एक गुलाब का घर दिखाई देता है। वे उस घर के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कौन हो तुम दोनों? हम दोनों परदेसी हैं बहन, हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। कुछ दिनों के लिए अपने गुलाब घर में हमें रहने को दे दो, तूफान थमते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आ जाओ अंदर तुम दोनों, मेरे गुलाब घर में बहुत जगह है, तुम दोनों जब तक चाहो रह सकती हो। टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बेटी सुनहरी के साथ उस गुलाब घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है। सुंदरी बहन हमें इजाजत दो, अब हम चलते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे तूफान से बचने में मदद करी। सुंदरी का भी बड़ी जादूगरनी थी, उसे टुनटुनी की हाल पर दया आ जाता है। ये लो टुनटुनी बहन, ये जादुई गुलाब के बीज है, इसे एक सुरक्षित जगह देखकर मिट्टी में दबा देना, ये गुलाब घर में बदल जाएगा। टुनटुनी उस बीज को लेकर नदी के किनारे मिट्टी में दबा देती है। अगली सुबह वहाँ गुलाब का घर देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी उसमें बाकी की जिंदगी काट देती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।